यार वो स्टार्ट ऑन कराना प्रोजेक्टर का बटन। हाँ उसको ऑन कराना। यस सांजी भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। करते हैं शुरुआत। हाँ देखो, तो आपने जो है हो रहा है क्या स्टार्ट? नहीं, थोड़ा छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ चलिए भाई, देखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपने कुछ कुछ नाम पढ़े थे, है ना? आपने देखा था ये पराग अग्रवाल के बारे में, जिनको हमने क्या बनाया था? अरे सीईओ किसका? ट्विटर का। यस, देन नेक्स्ट है आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है एसीपी, मतलब अनूप चंद्र पांडे। देन है ना नेक्स्ट आपके अपॉइंट हुए थे यहाँ पर आईटीडीसी के चेयरमैन, कौन है ना? संबित पात्रा, है ना? संबित पात्रा, यस है ना? देन यस, बीजेपी के आपके स्पोक्स पर्सन है। देन आपके यहाँ पर डीसीबी बैंक के चेयरमैन हमने अपॉइंट किया, किसको? है ना, रूपा देवी सिंह को। परफेक्ट। देन नेक्स्ट हमने पढ़ाते हैं यहाँ पर एफबी के चेयरपर्सन का नाम है ना रवि मित्तल, उनका नाम है आपका रवि मित्तल। देन नेक्स्ट आपको दिया गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, हमने किसको बनाया है ना? आपके अनंता नागेश्वरन जी को। देन सेबी के यहाँ पर चेयरपर्सन का भार किसने संभाला है? तो माधवी पुरी बच। टेंथ क्लियर है? ओके चलिए। देन नेक्स्ट हमने ये स्टार्ट पर किया था, फिर आई थिंक हम शेयर्स वगैरह पर थोड़ा इन्वेस्ट, ये म्यूचुअल फंड पे बात कर रहे थे। हाँ देखिए, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव से हम आपको बता रहे थे कि हर साल जो आपका बजट आता है ना, फर्स्ट ऑफ फेब को आता है, तो सरकार ऐसा मान रही है कि अगले आने वाले 25 साल जो है वो हमारे अमृत काल होने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी द गोल्डन पीरियड फॉर अस, ऐसा मान के चल रहे हैं ना। यहाँ पर अब देखो कि मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलग 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 टाइप की जहाँ पर स्कीम्स आपको बता के रखी थी, और यहाँ ऑनलाइन लेक्चर बफर होता हुआ है ना, बच्चे कब से बफरिंग भेज रहे हैं। ठीक है, चलाओ काम, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना? आएगा जाएगा, आएगा जाकर। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि भाई दी बजट इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग पिलर्स। आपका जो बजट था उसमें हमने चार चीज़ों पर फोकस किया था। पहला था आपका पीएम गतिशक्ति, सेकंड था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड वाला था आपका प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, मैंने सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड लास्ट वाला था आपका फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ लास्ट वाला था आपका फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है ना? चलिए, तो ये चार चीजों पर जो है सरकार ने फोकस किया था। अब पीएम गतिशक्ति, गतिशक्ति क्या होगा वैसे आपके हिसाब से बताओ, बताओ। अरे बैठ के बताओ, दिक्कत आराम से कंफर्टेबल। हाँ हाँ करेक्ट, परफेक्ट है। कभी खुद के लिए भी बजवाओ यार ताली, है उसके लिए बजाते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं? खुद के लिए खुद ही बजाने की, खाली बजा के उसके लिए खुश है। तो आते कभी कभी ऐसा क्यों? अच्छा ऐसा, चलो सुनो। अरे तो हमने क्या बोला है कि पीएम गतिशक्ति जैसा उन्होंने कहा है ना, कि यहाँ पर सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, कि जो आपका लॉजिस्टिक्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट होना चाहिए, टाइम वेस्ट कम होना चाहिए, है ना? आपका जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होना चाहिए, जो टाइम लगता है वो भी कम होना चाहिए, और भी कुछ कुछ चीज़ें आपको दी गई है। तो एक एक करके इन्होंने आपको समझाया है, एंड स्टार्टिंग में जो अभी आप पॉइंट्स पढ़ रहे हो यही पॉइंट्स आपको वापस से डिटेल में आएंगे, है ना? उसी में और कुछ इन्होंने एडिशन किया है, तो पहले इसको भी पढ़ लेते हैं। तो आपको बोला है सबसे पहले यहाँ पर पीएम गतिशक्ति प्लान। तो पीएम गतिशक्ति प्लान देखो, यहाँ पर बजट के चार पिलर्स थे, जो आपको बजट है ना, बजट के आपके चार पिलर्स हैं ना। देन यहाँ पर आपको दिया गया पहला वाला पीएम गतिशक्ति प्लान। तो पीएम गतिशक्ति प्लान का हमारे पास जो यहाँ पर 7 इंजन हैं। तो इंजन का नाम कौन कौन सा है, मतलब क्या क्या ये फोकस कर रहे हैं? तो रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटर वेस्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? तो क्या क्या बोला यहाँ पर, है ना? आपका रोड्स आ जाएंगे, मतलब इन सबको हम डेवलप कर रहे हैं। रोड्स हो गए,
रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हर तरीके के ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड होता है उसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना कि इसके 7 इंजन्स हैं। अब यहाँ पर हम और कुछ कुछ चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, लाइक एनर्जी ट्रांसमिशन, बल्क वाटर एंड सीवरेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतना काम करेंगे, बट इतना ध्यान रखना कि 7 इंजन्स पर यहाँ पर फोकस है। ओके, देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोल के रखा है हाईलाइट्स। तो पीएम गतिशक्ति में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो पहला बोला है कि 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 इयर्स। अगले 3 साल में हम कितने जो है कार्गो टर्मिनल स्टार्ट करेंगे, 100। अब कार्गो टर्मिनल होगा क्या, हाँ यस, है ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जो जगह होती है ना, जहां से गुड्स उठाए जाएंगे रखे जाएंगे उसको हम कहते हैं कार्गो टर्मिनल्स। तो यहां पर अगले 3 साल में हम जो है 100 कार्गो टर्मिनल्स डेवलप करने वाले। देन है ना, नीचे 4th वाले पॉइंट में देखो, आपको बोला कि नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। तो 22-23 में जो हम है ना ये नेशनल हाईवेज बनाने वाले हैं, ये कितने होने वाले हैं टोटल मिला के, तो 25,000 किलोमीटर। और रोड्स का काम कौन देखता है, नितिन गडकरी, वेरी गुड। देन यहाँ पर आप देखो तो आपको दिया गया अ न्यू स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसका नाम इन्होंने दिया है पीएम डिवाइन, मनीष पंडित लास्ट में है ना, प्लीज स्पैम ना करें। देखो तो हमने यहाँ पर नाम दिया पीएम डिवाइन, फुल फॉर्म क्या था इसका, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, एंड दिस विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एंड ₹1500 करोड़ विल बी एलोकेटेड। तो देखो मैं आपसे वापस कह रहा हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिए गए, आगे जब आप पढ़ोगे तो और इसमें बहुत डिटेलिंग आपको दी गई है। तो यहाँ पर देखो मेन क्या क्या पॉइंट्स आए कि अगले 3 साल में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे, नेक्स्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क जो रहेगा वो हम 22-23 में 25,000 किलोमीटर से जो है बढ़ाने वाले हैं, एंड यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए हमने स्टार्ट किया पीएम डिवाइन, और जिसके लिए हम कितने करोड़ देने वाले हैं, तो 1500 करोड़ रुपए जो हम यहाँ पर देने वाले हैं। डन, ओके। देन नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना, सीए रोहित पूछ रहा है सर इतना सारा याद करना है, तो मैंने कहा ना स्किल बेस्ड एग्जाम है कि नहीं, अब आपकी स्किल के ऊपर है। चलो देखो नेक्स्ट आपको दिया गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोले तो टोटल सबका डेवलपमेंट है ना, सबका साथ में विकास है ना, सबका साथ सबका विकास, तो दिस इज योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखो तो हमने यहाँ पर क्या बोला, 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा 1.63 करोड़ फार्मर्स को फॉर परचेज, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज ऑफ वीट एंड पेडी, क्या बोले, गेहूं यानी भात, खाद खाद, अच्छा पेडी धान बोलते हैं ना धान, है ना, यस। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि हम करीब करीब 1.5 करोड़ फार्मर्स को, मतलब 1.63 करोड़ फार्मर्स को हम कितना पैसा बांटने वाले हैं, 2.37 लाख करोड़, ताकि वो क्या खरीद पाए, वीट एंड पेडी। ओके, देन इन्होंने बोला है कि गंगा रिवर के आसपास जो है हम केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, गंगा नदी के आसपास केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी कितना एरिया उन्होंने कवर किया आसपास, तो 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर का एरिया उन्होंने कवरअप किया है। देन नेक्स्ट आपको बोल के रखा है किसान ड्रोन्स, है ना, किसान ड्रोन्स हम यहाँ पर लाएंगे फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ड्रोन तो आपको पता है, किसान ड्रोन भी पता है, है ना, वेरी गुड। तो जैसे आपको है ना ड्रोन तो पता ही है, तो किसान ड्रोन का काम क्या होगा, परफेक्ट, है ना, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर जो भी आप फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो आप जो है ना यहाँ पर ड्रोन के थ्रू जो है उसको ऊपर ऊपर से डाल सकते हो, और प्लस आप जो है अपने है ना आपका जो फार्म है उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हो, है ना, बीच में जानवर तो नहीं आ गए, लोग तो नहीं आ गए वगैरह वगैरह, तो ये सब भी आपका ड्रोन से काम हो जाएगा। ओके, तो किसान ड्रोन को हम लोग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। देन नेक्स्ट बोला है आपकी 4 चीज़ें, है ना, उद्यम, ई श्रम, है ना, उद्यम, आपका उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम पोर्टल्स टू बी इंटरलिंक्ड। तो यहाँ पर ये 4 पोर्टल्स को, 4 वेबसाइट्स को लिंक करने वाले हैं, क्या क्या नाम इनका, है ना, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम। तो ये चारों जो है मोर और लेस ये जॉब के लिए है ना, चारों जो मोर और लेस जॉब के लिए, तो सरकार के लिए जो यहाँ पर सरकार जो ओपनिंग्स देती है ना जॉब के लिए जो ओपनिंग्स देती है, तो अलग 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 पोर्टल पर होता था, तो अब क्या होगा कि आपको चारों की चारों चीज़ें जो है एक जगह पर दिख जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमने बोली, है ना, उद्यम, ईश्रम, एनसीएस एंड असीम।
देन नेक्स्ट आपको बोल के रखा है यहाँ पर देखो दो चीज़ें, दो अलग अलग स्कीम्स हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 130 लाख MSMEs प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट, है ना, 130 लाख MSMEs को हमने एडिशनल क्रेडिट दिया था अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। पहले तो MSME क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को हम कितना क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम में देने वाले हैं, है ना, अमाउंट आपका आगे लिखा है, लेकिन स्कीम का नाम है ECLGS, बोले तो इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। तो यहाँ पर जो मार्च 2023 तक ये रहेगा एंड गारंटी कवर टू बी एक्सपेंडेड बाय ₹50,000 करोड़ टू अ टोटल ऑफ 5 लाख करोड़। तो हम जो सरकार जो गारंटी लेती है ना, मतलब बैंक्स को बोलती है कि भाई इनको लोन वगैरह दे दो, तो हम गारंटी लेते हैं, तो ये गारंटी 50,000 करोड़ से और बढ़ा रहे हैं, तो टोटल कितनी गारंटी लेंगे, तो 5 लाख करोड़, है ना, टोटल जो गारंटी लेने वाले कितने, 5 लाख करोड़। ठीक है, डन, क्लियर है क्या? ओके, देन सिमिलरली देखो यहाँ पर बोला है कि 2 लाख करोड़ विल बी एडिशनल क्रेडिट फॉर MSMEs टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर MSME। तो दोनों स्कीम्स अलग है, पैसा ही बांट रहे हैं, है ना। नीचे वाली जो आपकी स्कीम है ये है CGTMSE, मतलब क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, एंड ऊपर है इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड। तो ऊपर वाले में जो है आप इमरजेंसी वर्ड याद रखना, नीचे वाले में ट्रस्ट वर्ड याद रखना। ठीक है, ऊपर वाले में इमरजेंसी वर्ड आप याद रखोगे एंड नीचे वाले पॉइंट में आप ट्रस्ट वर्ड याद रखोगे। तो इमरजेंसी में 50,000 और बढ़ाएंगे तो 5 लाख करोड़ हो जाएगा, एंड नीचे जो आपका यहाँ पर है ना ट्रस्ट वाला दिया है, इसमें हम 2 लाख करोड़ जो है यहाँ पर फार्मर्स को बेनिफिट देने वाले हैं। क्लियर है, समझ आया, है ना, ओके, एकदम। चलिए सुनेगा, अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है रैंप। रैंप मतलब होता है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। हाँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, आधे घंटे में। हाँ, क्या हो गया, थोड़ी देर, हाँ तो स्पेसिफिक हो गया ना, मैं पहले जनरल एक्सप्लेनेशन था थोड़ी देर में, फिर मैं बोला आधे घंटे में कर देंगे। समस्या क्या है, क्या दिक्कत नहीं है ना, कुछ सही बोला ना कि पूछना था पहले, नहीं ना, चलो। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया गया है ना रैंप। रैंप बोले तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम परफॉर्मेंस, है ना, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम विथ एन एडिशनल अमाउंट ऑफ हाउ मच, कहाँ गया, गुम हो गया, कौन सा पेज नंबर, इतनी इतनी ऊपर कैसे आ गए, यस, है ना। तो यहाँ पर जो हम MSE के लिए रैंप परफॉर्मेंस रैंप प्रोग्राम जो चालू कर रहे हैं, है ना, इसमें हम कितना देंगे, तो 6,000 करोड़ जो हम यहाँ पर बांटने वाले हैं। ठीक है, डन, है ना, ओके, डन। यहाँ पर देखो वन क्लास वन टीवी चैनल, है ना, ये सरकार के स्कीम का नाम है PM ई विद्या, जो वो 200 टीवी चैनल में चलाने वाले हैं। ठीक है, जो रहेगा वन क्लास वन टीवी चैनल। देन यहाँ पर बोला है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ। तो ये जो लोगों को बहुत समस्या जा रही है आजकल, आपको भी लगता है कि ऐसा है ना, कोई ऐसे नहीं है ना, एनजाइटी होना है ना, अकेलापन लगना है ना, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है ना, विरक्त तो है ना, खुश होना विरक्त, हाँ नहीं तो भी ये है ना, फ्यूचर के बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये आपके पास है ना नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज टू बी लॉन्च्ड। जैसे आपको अगर किसी को बताना हो, कभी सर टाइम पास कॉल करके देखना और बोलना कि यार मैं 16 साल का हूँ या 17 साल की हूँ, है ना, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, है ना, या डिस्टर्ब हो गया हूँ, वो बात ही नहीं करता है, रात रात भर ऑनलाइन रहता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता है, क्या क्या उनको मेंटर कर देंगे, वो कितना टफ जॉब है मैं सोचता हूँ। दिन भर देखो आप बैठे हुए हो और सिर्फ आपको लोग समस्याएं बता रहे आके कि मेरे साथ ये हो गया, वो छोड़ के चली गई, है ना, वो उससे बात करती है रिप्लाई नहीं करती है, तो समस्या नहीं रहेगी, है ना, फिर भी ट्राई करना चाहिए आपको एक बार, ना देखो उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, गाली दे के रखना दे, बोले साला मेरे साथ भी सेम ही हो रहा है, बोले हम किसको कॉल करें, पता चला 20 एम्प्लॉयज बैठे हैं एक दूसरे को ही कॉल कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव डे पे। चलिए, तो वन क्लास वन टीवी चैनल PM ई विद्या रहेगा। देन नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए सरकार यहाँ पर स्टार्ट करवा रही है। देन वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, है ना, जैसे अपना रोबोट 2.0 था वैसे ही, है ना, यहाँ पर पोषण 2.0। तो ये स्कीम्स है वुमेन चिल्ड्रन के लिए,
मिशन शक्ति है, वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी है एंड पोषण 2.0। नेक्स्ट आपका स्कीम का नाम है हर घर नल से जल। सीएस प्रो के बाद विदाउट बीकॉम किए डायरेक्टली एमकॉम करने जा सकते हैं क्या? नहीं, करना पड़ेगा आपको, है ना, ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। कर लो यार, बीकॉम क्या है, क्या ही लगता है बीकॉम में, है ना, 3-5 हज़ार वाला कॉलेज उठा लो खत्म, है ना, उससे ज़्यादा तो पैसा देना भी नहीं बीकॉम में, है ना। देखो तो यहाँ पर क्या बोला है, हर घर नल से जल, तो यहाँ पर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स के घर में जो है नल लगाए जाएंगे। देन यहाँ पर 80 लाख घर बनाए जाएंगे अंडर पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना जो है, क्या बोल रहे हो, बाबूराव का, हाँ करेक्ट, ये हेरा फेरी बहुत जो है क्लासिक मूवीज है, कितनी बार भी सीन देखो अच्छा लगता है। देखो तो यहाँ पर जो है हर घर नल से जल, तो यहाँ पर जो है ना ये पीएम आवास योजना 80 लाख घर बनाएंगे और उसके लिए सरकार कितने देने वाली है, 48,000 करोड़। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में। हम जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे आपके 75 डिस्ट्रिक्ट में। अभी आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या रहेगा, इग्नू से मत करो बीकॉम, नॉर्मल करो, इग्नू से मत करो, दिक्कत जाएगी। हाँ जी राधिका जी, इनफ है, हाँ बताओ, हाँ यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होने वाले, मतलब यस वेरी गुड, हाँ डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब फ्यूचर में ऐसे बैंक्स ओपन होंगे जहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे, मतलब एवरीथिंग विल बी डिजिटल, है ना, सब आपको जो आप अंदर जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे, आपको पढ़ पढ़ के करना और बाहर आ जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे, होगा तो अच्छा, है ना, SBI के लंच ब्रेक आपको सुनना नहीं पड़ेगा, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बोलेगा SBI के लंच ब्रेक, है ना, देखते हो आप स्टैंड अप कॉमेडी, देखते हो नहीं, देखते हैं, कोई देखने गए हो शो कभी, नहीं, किसका 9-8 था, किसका जैन, यश राठी का गए थे क्या, अब भी आया था ना वो, तो हाँ अभी अभी आया था यश राठी, उसके तो एक दो ज्यादा वीडियोस आए भी नहीं है, अच्छा था क्या, बढ़िया था, फर्स्ट कम फर्स्ट था, चलो बढ़िया, क्या अभी मैं लास्ट विपुल गोयल का गया था, अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, इस राउंड में था, और अभी होने वाला है इसका अभिषेक उपमन्यु, अभिषेक उपमन्यु कैन नॉट बी मिस्ड, कर देखना ही चाहिए, 15-16 अक्टूबर है, देखो अभी आपको बुक माय शो में उसका वेन्यू दिखेगा, हाँ टिकट थोड़ा महंगा है पर क्वालिटी भी है उसका ज़बरदस्त है। तो और उसका वो लास्ट टाइम कर रहा है, वो जो भी करता है ना, जो भी उसका एक एक सेगमेंट लेके चलते हैं ना वो, है ना, एक एक जैसे जो भी शो का नाम वो रखते हैं, है ना, फिर उसको पूरे इंडिया भर में वही परफॉर्म करते रहते हैं 1-2-3 साल, तो जो भी उसका है वो सब्जी वाला ऐसा कुछ है, वो लास्ट टाइम परफॉर्म करने वाला है, उसके बाद वो सेम नहीं चलेगा, अलग चलेगा ऐसा। तो 15th और 16th अक्टूबर 2 दिन है, 5 से 6 शोज उसने रखे हैं, देखो आप चेक कर सकते हो, है ना, जाओ ग्रुप बना के जाओ, अक्टूबर में है ना, हाँ बिल्कुल जा सकते हो। चलिए देखिए, है ना, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक मिनट, किसका लेक्चर है, यस FM लेक्चर 4 बजे, हाँ जी देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है वो हम बनाने वाले हैं। अब डिजिटल तो सब हो रहा है, लेकिन वही एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, वो समस्या है। चलिए तो ये आपको चीज़ें बताई गई आपके, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। तो हमने बोला कि किसान, है ना, किसानों के लिए वीट एंड पैडी खरीदने के लिए हम लोग 1.63 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर 2.37 लाख करोड़ देने वाले हैं। देन हम गंगा नदी के किनारे 5-5 किलोमीटर में नेचुरल केमिकल फ्री फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं। किसान ड्रोन्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इन चार जो है वेबसाइट्स को हमने लिंक किया है ना, उद्यम, ईश्रम, NCS एंड असीम। देन यहाँ पर आपको जो है इमरजेंसी वाली जो स्कीम है वहाँ पर 130 लाख MSMEs को हम लोग बांटने वाले हैं, टोटल 50,000 करोड़ से बढ़ा के 5 लाख करोड़ की गारंटी होने वाली है। एंड यहाँ पर जो है आपका है ना गारंटी ट्रस्ट वाला था MSME का, इसमें 2 लाख करोड़ जो है हम लोग है ना बांटने वाले हैं। रैंप प्रोग्राम में अपने बांटने वाले कितने है ना 6,000 करोड़। देन 1 TV 1 चैनल है ना आपका 1 Class 1 TV चैनल, ये PM ई विद्या करके स्कीम है, जो टोटल 200 चैनल्स यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे, लैंग्वेज वाइज भी डिफर करेगा। देन मेंटल हेल्थ के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम रहेगा। देन यहाँ पर वुमेन चिल्ड्रन के लिए 4 स्कीम्स का नाम है ना, मिशन शक्ति, वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। देन अरे क्या बोले, चेक कर लिया अभिषेक को मन, अबे तुम क्या, तुम स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखते हो तो फिर देखते क्या, बताओ, देखना ही चाहिए, ऑफकोर्स पता ही होना चाहिए। देन
ना नेक्स्ट आपका यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाला 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, उसके ऊपर बोला था हर घर नल से जल, है ना, 3.8 करोड़ घरों में कितना देने वाले पैसा, ये कितना लगाने वाले हैं, तो 60,000 करोड़, एंड 80 लाख घर भरने वाले हैं, और उसके लिए कितना पैसा देने वाले हैं, 48,000 करोड़। डन, क्लियर है? ओके। स्नेहलता कह रही है उतना पैसा नहीं है कि कॉमेडी देखने जाए, मम्मी बोले कि अपनी लाइफ ही देख, किसी कॉमेडी से कम है क्या? मैं अग्री करता हूँ, मैं आपको बिना देखे अग्री करता हूँ इस बात पे। ओके, प्रियांशी जी कर देंगे, है ना, जब लेक्चर खत्म होगा ना तब अनफॉलो करके फॉलो कर देना, तब आपका नाम ऊपर आ जाएगा। चलिए, है ना, तो यहाँ पर आपको दिया गया प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, है ना, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। बाकी चीजें तो आपको पता होगी, है ना, एक देर इज अ वर्ड यूज है सनराइज अपॉर्चुनिटीज। नाउ व्हाट डू मीन बाय सनराइज अपॉर्चुनिटीज, बताएंगे, बताइए। अरे बैठ जाया करो यार, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम ऐसे आपके दिल में रिस्पेक्ट हो गया हमारे लिए, समझ गए हम। हाँ हाँ और सर इंडिया में इस खबर को देखते हुए हाँ सर कनाडा से पहले हमको जो है सोलर पैनल की जो खेत होती है उसके लिए 8 फीट मकान आ सकता था, हाँ लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही, हाँ स्टार्टअप आदमी सोलर पैनल का जिनसे चाहता है उनका हो जाए और हर घर में सोलर लगे और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और वही कंज्यूम हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कट होने वाला एक्सपेंसेस कम हो और हमारा घर में जो डेफिसिट है हाँ वो जो है एकदम सही बात, एकदम करेक्ट है। यानी आपका जो एनर्जी ट्रांजिशन में आएगा, आपने लगाई क्यों क्लासेस में, समझ नहीं आता, सेल्फ भी कर सकते हो ना आप। अच्छा आप कहाँ से हो? अच्छा अयोध्या से हो ना। अच्छा अच्छा ऐसा घर छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसा डायरेक्टली बोला, घर छोड़ के? सही बात है। तो आपके सिबलिंग्स है क्या घर पे, और बड़ी हैं छोटी हैं? बड़ी हैं। तो आप ये मतलब वहीं से पहले आपने पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब आपके आपका ग्रेजुएशन हो गया कि कर रहे हो? अच्छा, तो आप 12th के बाद ड्रॉप लेके डायरेक्टली इधर आ गए ऐसा? यहाँ करो ना बीकॉम, वहां क्यों कर रहे हो, इधर ही करो, इधर रहने वाले हो ना। अरे पता करो यार, ये सब है बताएंगे ये किस वक्त किस काम के। अरे ये एसपी कॉलेज है क्या? क्या हाँ वही, तो आप पूछोगे नहीं तो कैसे बताएंगे वो, इनको थोड़ी पता है बेचारों को, क्यों नहीं बताते यार, बता दिया करो यार, ऐसे मत क्या करो, बाहर से बंदा है कि नहीं। डन डन डन, परफेक्ट, करेक्ट, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। बहुत शानदार, बहुत आड़े, एकदम सही बोला है ना। यस, तो यस सनराइज अपॉर्चुनिटीज जो है ना, सही में मैं तो चाहता ही हूँ करंट अफेयर्स कोई और पढ़ा ले। चलो क्या क्या, परसों परसों नहीं है, अभी शुक्र बन नहीं हुआ, नहीं, 15-16 अक्टूबर यार। हाँ, मतलब वो पूरे इंडिया भर के दिया है, पुणे में नहीं है परसों, अब भी 21 सितंबर। ओ अच्छा, देखना पड़ेगा, देखो चेक करो वापस। अच्छा चलो देखते हैं, अभी यहाँ पर सुनो सनराइज अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। अरे सनराइज अप नहीं, सनलाइट नहीं था, सनराइज था। सनराइज अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली कि जो भी स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं, स्टार्टअप धीरे धीरे इंडिया में बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, तो स्टार्टअप्स में पैसा डालना,
सनराइज मतलब जो है जो आपका ग्रोइंग सेक्टर होता है उसको अपन कहते हैं सनराइज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उसको सरकार इंकरेज करती है, उधर टैक्स बेनिफिट्स वगैरह देती है, तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर बताई गई है। देखो, तो पहला वाला हमने क्या बोला है कि सरकार ने 1486 यूनियन लॉज हटा दिए हैं। सरकार ने 1486 जो है कानून हटा दिए हैं पुराने वाले। रिपील करने का मतलब होता है हटाना, और जिसके कारण कितने कंप्लाइंस कम हो गए हैं, 25,000 कंप्लाइंस, 25,000 रूल्स, मतलब आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने कितने यहाँ पर यूनियन लॉज हटा दिए, तो 1486। देन नेक्स्ट आपको बोला कि SEZ एक्ट टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू लेजिस्लेशन टू इनेबल स्टेट्स टू बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस। तो देखो यहां पर जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज सिंपली व्हाट, मैं आपको एक बार बताता हूं, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज सिंपली व्हाट, जाकिर खान भी मस्त है लेकिन अभी उसका कुछ पुणे का है नहीं ना, अभी तो इंटरनेशनली कर रहा है पूरे। देखो यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज सिंपली व्हाट कि सरकार कहती है अगर कोई खाली जमीन पड़ी है ना, तो सरकार कहती है कि ये भाई SEZ है आज से। सुनो प्लीज ध्यान से, अरे सुनो प्लीज ध्यान से, ज्योति कह रही है मजा नहीं आ रहा है, क्या मजे दिलाए हम भाई, ऐसी उम्मीद लेके ना बैठो इधर, अरे मजा नहीं आ रहा है बोल रहे। देखो सिंगल हो जीवन में तो कुछ कर लो फिर, है कि नहीं। देखो SEZ मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब एक जमीन है, सरकार बोलती है कि आज से जो जमीन है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होगा कि आप इधर अपने आके अपने ऑफिस स्टार्ट करो, फैक्ट्री स्टार्ट करो, एंड आप जो भी इसमें मैन्युफैक्चर करोगे या सॉफ्टवेयर बनाओगे वो आपको करना होता है एक्सपोर्ट। जो भी इसमें कंडीशन है, आप SEZ में आके काम करो लेकिन यहाँ पर आप जो भी बनाओगे आपको करना होगा एक्सपोर्ट। तो लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि उनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जो भी ऑफिसेज, जो भी फैक्ट्रीज जिसमें काम करती है ना उनको GST देना होता है और ना उनको इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन इनकम टैक्स 15 साल तक, अगले 15 साल तक इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एंड आपको जो यहाँ पर GST देने की भी जरूरत नहीं है। ओके, आपको GST देने की भी जरूरत नहीं है एंड इनकम टैक्स भी आपको 15 साल तक देने की जरूरत नहीं है। MIDC की तरह, यस परफेक्ट, है ना, क्लियर है क्या। तो हमने क्या बोला कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे यहाँ पर हिंजेवड़ी वगैरह है ना पुणे में, तो ये है ना पिंपरी चिंचड़ में भी है, तो यहाँ पर सरकार कहती है कि भाई आज से है ना, आज से जो है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होती हैं, है ना, फिर लोग वहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो पहले जो पूरा SEZ संभालता था ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती थी, अब हम इसमें स्टेट्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमने बोला है कि SEZ जो है वो एक्ट, SEZ का जो कानून है उसको हटाया जाएगा एंड उसमें स्टेट्स को भी हिस्सेदारी दी जाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। इसको शॉर्ट में देखोगे तो ये आता है देश, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। तो सरकार का इस पर फोकस है। तो बेसिकली क्या है कि सरकार स्टेट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है। ओके, देखो अब नेक्स्ट आपको दिया गया है क्या, उन्हें आपका इग्नोर करने का टैलेंट थोड़ा हमको भी दे दो, अभी और एग्जीक्यूटिव में और पता चलेगा, पढ़ते नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, पढ़ू है कि नहीं, अभी कमेंट्स ही पढ़ता रहूँगा तो क्या होगा मेरा। जैसे सृष्टि बोल रही है सर शेयर में इन्वेस्ट के लिए डीमेट अकाउंट जरूरी है क्या, सलोनी हाँ ना सलोनी का हो गया, ठीक है श्रेया का जूही सेम है ना, फिर रोने वाला इमोजी और 3 इमोजी, वैष्णवी एड देव खूब अभ्यास आए तुला नाई त्या गोष्टी जा, अच्छा है ना, रागिनी यस, श्रेया सलीनो, मैं यही करते बैठूँ मतलब, है ना, फिर बोलते सर कमेंट इग्नोर करते हो, अबे पढ़ लो, इसलिए बीच बीच में कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, जो डाउट्स वाले दिखते हैं ना जेन्युइन वो मैं देख लेता हूँ, है ना, बाकी देखो ये अच्छा सलोनी है, ओ उतना है जितना आपको ऑक्सीजन की जरूरत है श्रेया, कोई नहीं अपना टाइम भी आएगा कभी, सौमिल सर और खान सर एक जैसे सिर्फ काम की चीज़ों पर फोकस करते हैं, सर हो गया बस अब छोड़ दो, पूजा सेम यारा, हेलो सर, अबे तुम ये इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, है ना, ऐसा नहीं गूगल से दो चीज़ें निकाल के आए, है ना, कमेंट्स में डालें, अपनी इच्छा ही नहीं साला। चलो सुनो, और मैं अगर यही पढ़ते बैठूँ तो पढ़ाऊँगा कब मैं, फिर आप बोलोगे सर आप जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो। चलो देखो है ना, तो यहाँ पर ये वाला पढ़ा आपने SEZ वाला, उसके बाद आप नीचे डायरेक्टली ई पासपोर्ट वाले में आइए, ई पासपोर्ट विथ एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल्ड आउट। तो ये जो आपके पासपोर्ट अभी घर पे आते हैं डायरी जैसे बन के आते हैं है ना छोटी सी, तो धीरे धीरे क्या होने वाला लाइसेंस के जैसे बन के आएंगे, तो लाइसेंस रहता है उसमें एक चिप डली हुई रहती है छोटी सी, बिल्कुल जैसे आपका डेबिट कार्ड रहता है उसमें भी चिप और स्ट्रिप रहती है, बिल्कुल सेम है ना ऐसे ही होगा,
कि आपके ई पासपोर्ट्स बनेंगे, तो आपको जो डायरी जैसा घूम के नहीं लेके नहीं घूमना है, आपके पास एटीएम कार्ड जैसा जो है एक छोटा सा पासपोर्ट आएगा। देन नेक्स्ट यहां पर ला रही है ना सरकार, ला रही है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू बी रोल्ड आउट फॉर सेटिंग ऑफ चार्जिंग स्टेशन एट अ स्केल इन अर्बन एरियाज। अब यहां पर चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देना बहुत बहुत जरूरी है ना, यहां पर सोसाइटीज में भी धीरे धीरे चालू कर दिया है, पुणे की सोसाइटीज में ना, आपके इसमें भी कर दिया, आपके बिल्डिंग में कर दिया, यस। तो सोसाइटीज को भी बोला जा रहा है कि अपने यहाँ पर जो आपके मैंने चार्जिंग सेक्शंस होते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स, वो देना स्टार्ट करो, और पूरे इंडिया में भी यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स जो है, चार्जिंग सेक्शंस बढ़ाने हैं, क्योंकि अगर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मूव होना है तो जितने पेट्रोल पंप या है ना अपने को दिखते हैं उतने अपने पास चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए। बट दिक्कत यह है कि पेट्रोल भराने में 2-3-5 मिनट लगते हैं मैक्स टू मैक्स है ना, लेकिन चार्जिंग करने में तो आपको आधा आधा घंटा ब्रेक करना पड़ेगा है ना, 200-300-400 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, फिर 1-1.5 घंटा ब्रेक, फिर 200-300 किलोमीटर चलाओ, फिर 1-1.5 घंटा ब्रेक, तो मज़ा नहीं आएगा ना है ना। तो कैसा करना पड़ेगा, अपने को फ्लो टूट जाएगा ना अपनी गाड़ी का। तो यहाँ पर सरकार ला रही है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, मतलब आप किसी स्टेशन पर रुकोगे, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पे फॉर एग्जांपल आप रुकोगे, चार्जिंग स्टेशन पर रुकोगे, यस, आपकी बैटरी यहाँ पर रख दोगे और चार्ज वाली बैटरी आप उठा लोगे। क्या बोल रहे हो, इतने ईमानदार, क्या बोले? हाँ बंदे तो होंगे ना वहां पर देखने वाले है ना, ऐसे खुला कैसे छोड़ देंगे, तुम तो ये सब काम छोड़ के फिर देश भर में यही देख रहे हो कहाँ पर खुली बैटरियां पड़ी है, क्यों उठा उठा के बेचो। हाँ सीधी बात है, मैं तो बोल रहा था ना कि भाई ट्रेन में वॉशरूम का जो है बकेट नहीं छोड़ते लोग है ना, ये तो बैटरी है कि नहीं, 5-10 हज़ार तो नल भी उठा के लेके जाते, नहीं नल नहीं देखा मैंने, नल वाला तो अभी तक नहीं देखा मैंने, पर्सनल एक्सपीरियंस, बस आप बोलो आप जब 5 मिनट है ना। देखो तो यहाँ पर हमने क्या बोला, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है ना, ये स्टार्ट करने वाली सरकार, ताकि है ना जहाँ भी आप जाओगे तो अपनी बैटरी रख के दूसरी बैटरी उठाओगे है ना, इस तरीके से। देन है ना नेक्स्ट आपको जो काम का मुद्दा है वो है ये वाला एनिमेशन वाला, AVGC, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक है ना, फ्यूचर इसका भी बहुत तगड़ा है ना, एनिमेशन का, विजुअल इफेक्ट का, गेमिंग एंड कॉमिक का, मैंने क्योंकि सब सोशल मीडिया पे ही जाना है सबको, लेकिन धीरे धीरे लोगों से बात कम ही करते हैं जितना मोबाइल यूज़ करते हैं आप, तो सोशल इंटरेक्शन कम ही हो गया है कंपेरेटिवली। तो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स है ना, ये जो AVGC इंडस्ट्री है इसको हम प्रमोट करें है ना, और कुछ कुछ शेयर्स इसमें लिस्टेड भी हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कुछ कुछ आपकी गेमिंग कंपनीज जो हैं लिस्टेड हैं जिनके शेयर्स मिलते हैं, जैसे गोवा का कसिनो है, क्या नाम उसका डिस्कस किया था ना हमने, डेल्टा कॉर्प है ना, डेल्टा कॉर्प करके शेयर है, देखो 200-250 के आसपास होगा है ना, वो एक गेमिंग कंपनी है। देन एक और राकेश झुंझुनवाला ने जिसमें इन्वेस्ट करवाया था, कौन सा वाला, डेल्टा कॉर्प तो है, और अच्छा गिरा है क्या, अभी तो मार्केट पूरा डाउन है, 2-3 दिन से आप देखो तो पूरा ही मार्केट डाउन है, क्या था छुट्टी वगैरह भी थी। अरे आप करते हो क्या ट्रेडिंग वगैरह, कुछ देखते रहते हो, अच्छा दादाजी करते हैं क्या, तो मंझे हुए खिलाड़ियों पे बहुत सारे से कर रहे हैं, मतलब दिन का तो 10-20-30 हज़ार का गल्ला कहीं नहीं आ गया, दिन का कम से कम भाई अगर 20-30 हज़ार से कोई बंदा कर रहा है तो मेरे को लगता है आराम से दिन का 10 हज़ार निकालती होंगे, लेकिन नॉर्मल हो गया मेरे हिसाब से, वो भी 40 से ज़्यादा साल हो गए भाई, को बुलाना पड़ेगा एक दिन सेशन के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं, करते हैं कुछ अपन है ना, क्या मालूम करंट अफेयर्स पढ़ना है क्या, याद करना है, अच्छा पुरानी याद है। चलो तो हम यहाँ पर जो एनिमेशन गेमिंग को प्रमोशन दे रहे हैं है ना, तो ये आपका तीसरा मुद्दा हो गया, कौन सा वाला था इसमें मेनली आपका, ये सनराइज अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट वगैरह वगैरह। देन है ना ये जो नेक्स्ट वाला मुद्दा है, इसके भी 2-3 ही पॉइंट से करवा देता हूँ। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये अपन ने पढ़ा है, देखो याद है आपको है ना, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ जो है बढ़ाया है 35.4% है ना, फिर गिफ्ट सिटी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह वगैरह है, देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था है ना, या पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो यस ये आपके बेसिक ऊपर से बताया, फिर वापस से है ना इन्होंने डिटेल में बताया ये MSME, डिजिटल इनोवेशन वगैरह वगैरह, तो उसको अपन कल जो है कवरअप करेंगे है ना, ये जो यूनिट बजट के आपके हाईलाइट्स है ना टॉपिक वाइज, इसको मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, शायरी कल सुनाता हूँ, ठीक है, कल पक्का है ना, कल। अरे मेरे पास अच्छी वाली है ही नहीं, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, मैं ऐसे ही सुना दूंगा ना, मेरे को मज़ा आएगा ना आपको सुनाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं,
चलो तो अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है ना। तो यस हम मुलाकात करेंगे कल। ओके चलिए बाय, थैंक यू सो मच। क्या मेरे को लगा FM पढ़ने आयो, अच्छा ऐसा क्या, चलिए मिलते हैं ना, बाय शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ?